नोएडा के मार्वल स्टूडियो में लाइव बैंड कंपटीशन का आयोजन स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और पीआर मैनेजमेंट द्वारा किया गया, जिसमें 15 बेहतरीन बैंड ने हिस्सा लिया और बॉलीवुड सॉन्ग्स को लाइव परफॉर्मेंस पेश किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में आए सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने के लिए ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने अपने संबोधन में बताया कि वो खुद भी संगीत प्रेमी हैं और उनकी ऊर्जा और जोश के साथ काम करने के पीछे संगीत का बहुत बड़ा सहयोग है। मारवा स्टूडियो के संस्थापक एवं ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने कार्यक्रम में आए बच्चों का उत्साह and would get involved directly into music for all the 24 hours in a day. That's how I love music. But obviously, I have so many other commitments, and keeping all that in mind, I still keep a slot every day to listen to good music of any sort. What a wonderful idea. Let me congratulate the department, the PR events, School of PR Events and School of Performing Arts for actually coming out with such a wonderful idea of having a competition of so many bands at the same time. Only yesterday I realized that we have so many bands within the college. My God, that's fantastic, and you deserve a huge round of applause for that. आपको बता दें कि मारवा स्टूडियो के संस्थापक एवं ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर को जोड़कर क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप मारवा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड किंगडम में 10,000 शॉर्ट्स फिल्म बनाने के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हुआ और इस कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। रेडियो नोएडा 107.4 FM के सौजन्य से और mstv.co.in के सौजन्य से हम लोगों ने ये एक बड़ा ज़बरदस्त बैंड कंपटीशन रखा है, जिसके अंदर बहुत सारे बैंड जो हैं अलग अलग जो अब तक फ्रेम किए गए हैं वो भाग ले रहे हैं, और इन्हीं सभी बैंडों को एक या दो नंबर गाने के लिए इजाज़त दी गई है। आपस में ये लोग पूरी कलाकारी की ये जंग है, और आइडिया ये था कि जब कंपटीशन की भावना पैदा होती है तो आदमी परफॉर्मेंस जो है वो पहले से बेहतर देता है, और शायद यही वजह है कि स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर जो बच्चे अब तक चाहे वो वोकल सीख रहे हों चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हों, उनको आज एक बड़ा ज़बरदस्त मौका मिला है अपनी कलाकारी को प्रदर्शित करने का। सर, आज अभी आपने बताया कि आप UK भी होके आए हैं, क्या कुछ वहाँ से भी आप इनपुट लेके आए थे इस इवेंट के लिए? जी, वहाँ से इससे रिलेटेड इनपुट तो नहीं है, लेकिन मेरा जो हर ट्रिप जो है विदेश का वो कला और संस्कृति से जुड़ा होता है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं वहाँ पर ब्रह्म कुमारी, चाहे वहाँ पे एक सनातन हिंदू मंदिर, और फिर वहाँ पर नेहरू सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सबसे बड़ा आर्ट और कल्चर सेंटर है, वहाँ पर मैंने विजिट किया। खुशी तो इस बात की होती है कि हमारे हिंदुस्तानी से जो संस्कार हैं वो देश भर और दुनिया भर में बड़े खूबसूरत तरीके से फैल रहे हैं, और
बहुत सारे लोग उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे संस्कारों में इतना तत्व, इतना मूल है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सारे संस्कार जो हैं वो कला, संस्कृति और संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। और शायद ये बात मेरे दिमाग में वहाँ भी थी, और जब मेरे को ये प्रपोज़ल आया तो मैंने इसमें एक मिनट भी नहीं लगाया कि इसके ऐसे कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए। संदीप मारवा जी किस तरीके से म्यूज़िक से जुड़े हैं और क्या करते हैं? मैं तो बचपन से म्यूज़िक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं सीखता रहा, मेरे गुरु उमा शंकर चंदोला, फिर मेरे गुरु रहे विलायत हुसैन सागर, जिनसे मैंने वोकल सीखा, और मैंने तबला, ढोल, मृतंग, नाल, ड्रम सेट, इन सभी को, मेरा फेवरेट जो इंस्ट्रूमेंट था वो ड्रम्स था। और फिर मैंने आगे जाकर एक बहुत ज़बरदस्त एक सेंटर खोला जिसका नाम था महक और गज़ल, और इस सेंटर के ज़रिए हम लोग दिल्ली के अलग अलग ऑडिटोरियम में उन तमाम लोगों के साथ मिलकर गीत और संगीत के कार्यक्रम रखते थे जिन्हें शायद किसी बड़े प्रोफेशनल स्टेज पे मौका नहीं मिलता था। तो वहाँ से मेरी रुचि संगीत के साथ जुड़ी रही। हम लोगों ने आगे जाकर खान मार्केट में एक द म्यूज़िक शॉप के नाम से दुकान भी खोली, जहाँ पर करीब 25 साल हम लोगों ने देशी और विदेशी संगीत को, कैसेट म्यूज़िक, जैसे पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम था, वहाँ पर म्यूज़िक को बेचा भी। बहुत कुछ सीखा मैंने, और मुझे लगता है कि ये तो एक ऐसा समुद्र है जिसका पानी आदमी एक जन्म में नहीं पी सकता। इन तमाम चीज़ों को अपनी आधार मानकर ही हम लोगों ने AFT में स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का ये स्कूल खोला था। सर, आज जो बच्चे भाग लिए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने सब, मुझे खुशी इस बात की है कि अभी मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि इन तमाम 15 ग्रुपों को फिर से एक बार रेडियो में अलग से और टेलीविज़न में अलग से प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा इन बैंड्स को, और जो इसमें से चुन के अच्छे आएंगे उनके एक्सक्लूसिव कार्यक्रम भी बनाए जाएंगे। ओके, आई एम धैर्य शर्मा फ्रॉम चंडीगढ़ एंड आई एम अ पियानिस्ट एंड वोकलिस्ट डूइंग माय बैचलर्स डिग्री इन हियर। तो आज आप लोगों के यहाँ बैटल रखी गई बैंड की, आपने पार्टिसिपेट किया था, कैसा लग रहा है? इट वॉज वेरी नाइस, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट इट वुड बी सो गुड एंड पॉसिबली आफ्टर दिस लॉन्ग ब्रेक एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम बैटल इज हैपनिंग इन आवर कॉलेज एंड इट वॉज वेरी नाइस परफॉर्मिंग हियर, द आउटपुट वॉज वेरी नाइस। कभी आपने इस तरीके से लाइव बैंड इवेंट कॉलेज में इससे पहले कभी किया था? इससे पहले किया है, बट आज जो हुआ वो काफ़ी बहुत बेहतरीन हुआ। एंड इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ मारवा सर एंड ही एवरी बिग बिग थैंक्स टू हिम फॉर मेकिंग इट ऑल हैपन फॉर अस, हिज सपोर्ट इज एवरीथिंग फॉर मी। व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस पहले की परफॉर्मेंसेस और आज के कंपटीशन? द साउंड बेसिकली एंड ऑब्वियसली हम जो रोज़ रियाज करते हैं दिन ब दिन बेटर होते हैं, रियाज ही सब कुछ है, जब रियाज करेंगे एंड दिन ब दिन इंसान बेटर होता है। आई एम अरित्र एंड आई मीन हियर आफ्ट हम लोग लाइक मैं इंडियन क्लासिकल वोकल से हूँ, मेरा अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है और मैं अभी अभी एक परफॉर्मेंस करके आया हूँ, तो सो आई एम स्वेटिंग एंड ऑल। तो क्या आज आपने परफॉर्मेंस किया, आप लोगों का कॉम्पिटिशन था बैटल बैंड लाइक परफॉर्मेंस? देखिए, एक आर्टिस्ट भी चाहता है कि मतलब उसका परफॉर्मेंस में कोई कमियां या खामियां ना हो, तो हमने जो पहला वाला परफॉर्म किया था वो अपना एक इम्प्रोव जैम था, मतलब अपने बैंड मेंबर्स कोई मतलब ज़्यादातर नहीं थे, बाहर थे, तो लास्ट एक मोमेंट, दो मिनट हम कैंटीन में गए, बैठे, गाना को डिसाइड किए कि यही गाना करेंगे, और उसके बाद जाके परफॉर्म किए, सो आई वॉज टेंस्ड फॉर दैट सॉन्ग। और उसके बाद वो गाना जब मेरे को लगा कि या सही जा रहा है, हुटिंग वुटिंग आने लगा, तो उसके बाद तो रफ्तार पकड़ लिया, और देन रमता जोगी तो ऐसा सॉन्ग है रहमान साहब का, क्या ही बताए, दैट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ही लाइक हैज एवर डन, तो वो तो करके भी मज़ा आता है और बार बार करना चाहते हैं ऐसे परफॉर्मेंस। सो आई बी स्टार्टिंग संदीप मारवा जी, उसके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं, हम तो बहुत ही छोटे इंसान हैं। मारवा जी इज़ लाइक अ गॉड, जिन्होंने इतनी बड़ी एक फिल्म सिटी को बनाया, जिनके वजह से हम सब है, सब कुछ कर रहे हैं, और माशाल्लाह इंडिया के बहुत सारे जगह में बहुत ही आर्ट वाले अच्छे से काम कर रहे हैं। मुंबई में मैं खुद देख के आया हूँ, उन लोगों से बात करके आया हूँ, सो लाइक आई एम प्राउड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड मारवा सर के बारे में क्या ही बताए।